स्वागत है आपका फाइनली टंकी वर्सेस सलार। हालांकि सलार का ट्रेलर भी आ गई है और टंकी का ट्रेलर आना बाकी है, तो आपके हिसाब से मॉन्स्टर कौन बनेगा, क्योंकि आजकल टेक चल रहा है मॉन्स्टर का। जो आपने अभी बोला ना सलार का ट्रेलर आ गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों आया? अगर ट्रेलर आया है जिस तरीके से टीज़र आया था और जो गर्मी बढ़ी थी उस तरीके का ट्रेलर काटते तो शायद हैशटैग एनिमल नहीं होता, हैशटैग सलार होता। मतलब एनिमल रिलीज़ हो के आज तीसरा दिन है, अभी तक ट्रेंडिंग कर रहा है वो ट्विटर पे, कोई पूछ रहा नहीं है। पूरा KGF लग रहा है, पूरा KGF सा लग रहा है, खाली यश को डाल दो। रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, व्यूज के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पब्लिक देख तो रही है कि सलार है, लेकिन देखने के बाद के रिएक्शंस आप देखो ना, क्या कह रही है पब्लिक। KGF का ही सब कुछ दिखा रहा है। कुछ न्यू है इसके अंदर? न्यू है तो खाली एक प्रभास है। अगर प्रभास को हटा के संजू बाबा और यश को लगा दो तो पूरी KGF ही है। खाली पृथ्वीराज जिसके अंदर न्यू है, सुकुमारन। क्या लगता है इस बॉक्स पे कितना धमाका चाहिए दो फिल्म? अभी अगर इसका सेकंड ट्रेलर आता है सलार का तो मैं भी कुछ बोल सकते हैं इसके अंदर, कि मुझे तो कुछ इतना खास लगा नहीं इसके अंदर। मैं तेरे लिए शिकार बन भी सकता हूँ, शिकार कर भी सकता हूँ, एक डायलॉग थोड़ा वो बच्चे का अच्छा लगा मुझे। बाकी का जो और कोई मुझे डायलॉग है, वो कुल्हाड़ी से मार रहे, वो लोगों को भगा रहे, उसके अंदर जो सीन दिखाया गया है तो कुल्हाड़ी से भगा के वो जो तुम डर दिखा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बॉक्स ऑफिस पे भी पब्लिक डर के भाग जाए, बोले भाई प्रभास से चौथी बार डर लग गया, कि इससे पहले 3 बार तो बहुत भारी डर लगा प्रभास से, राधे श्याम साहो आदि पुरुष। सो अभी बात करता हूँ मैं अपने बॉलीवुड के किंग खान की, कि देखो यार कम बैक होता है तो ऐसा होता है। मतलब एक पठान देख सकते हो आज भी, मतलब वर्ल्ड वाइड है, रिकॉर्ड है जवान। तो मेरे को लगता है अभी जैसे उसमें भी दो डायरेक्टर थे तो बहुत महान डायरेक्टर थे वो लोग, मतलब उन्होंने भी सुपर हिट फिल्में ही दी है ज़्यादा से ज़्यादा। और रही राजकुमार सर की तो रिकॉर्ड है, फ्लॉप फिल्म सही नहीं अभी तक, तो ये भी मेरी फिल्म मेरे जैसा लग रहा है कि चलेगी। अभी तो ट्रेलर नहीं आया फिलहाल, इसका अभी एक गाना आया जो निकले थे कभी हम घर से, बहुत अच्छा गाना है, दिल को छूने वाला गाना है। अगर ईयरफोन डाल के एकदम सुकून में सुनोगे तो रो दोगे, कि आप अगर अपनी फैमिली से अपने घर से इतना प्यार करते हो तो उस पर फर्स्ट गाना तो मुझे वो शाहिद कपूर की फिल्म का गाना मौसम, ये दिल बेकाबू कर गया अब रब्बा में तो मर गया हुए, सेम मिलता जुलता लिरिक्स लग रहा था वो, जो कि प्रीतम ने दिया था और इसमें भी प्रीतम ने म्यूज़िक दिया है। सो अब देखते हैं कि आगे और इसका ट्रेलर आता है तो कैसा आता है, क्या आता है, मतलब शाहरुख का और कितनी तरीके से इसके अंदर सॉरी काम दिया गया है। सो अब 21 को तो बादशाह है, तो एक कहते हैं ना कि अगर कुछ लोगों को अगर ये नहीं पता बादशाह का घर नहीं मालूम तो घबराओ मत, उसके सच्चे फैंस के ना झुके हुए सर खुद ब खुद आपको थिएटर का रास्ता दिखा देंगे। रही बात हमारे डार्लिंग प्रभास की, मैं हेट नहीं कर रहा हूँ इनको, मैं प्रभास को हेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभास की हर एक मूवी को मैं टेलीविज़न पे भी या हो या थिएटर में मैं देखता हूँ, भले वो 3 मूवी फ्लॉप थी बट लेकिन मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है इनकी जो फिल्म है। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि प्रभास सर ने पैन इंडिया में आके थोड़ा सा नुकसान हो गया, वो अपनी फिल्म साउथ में करके वो यहाँ आते तो बेस्ट होता, जैसा यश सर ने किया। मतलब यश ने अपनी लैंग्वेज में मूवी और डबिंग करके लेके आए, ये जो अभी राधे श्याम साहो है जो सब मतलब नहीं आया समझ में, बट अभी देखते हैं अभी जब दोनों का ट्रेलर आएगा। इसका तो एक ट्रेलर आ गया, दूसरा आना बाकी है, आई थिंक 16 तारीख बोल रहे ऐसा। अगर आएगा, अगर वो ट्रेलर अच्छा निकला तो फिर यानी प्रभास इस बार फिर निकल गए, फिर सिक्सर है। और शाहरुख भाई का आ गया तो फिर आपको तो पता है, फिर मतलब अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह होगा बादशाह। थैंक यू सो मच।